पुस्तक मोपला अर्थात मुझे इससे क्या, लेखक वीर सावरकर। भाग दो। उस तरुण को साथ लेकर कंबू अपने महारवाड़े से निकलकर ग्राम की पगडंडी पर चढ़ता चढ़ता नारियल और पोफली के वृक्षों के वन में जा खड़ा हुआ। वे उस वन में आकर चुपचाप खड़े हो गए, जिससे कि किसी ब्राह्मण की दृष्टि उन पर न पड़ने पाए, क्योंकि यदि वह जोर से बोलता तो स्नान संध्या निरत ब्राह्मणों का अनिष्ट हो जाता। इसलिए वह अपने हाथ के इंगित से दामू को अपने साथ आने का निर्देश देता रहा और वे दोनों एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। इधर ब्राह्मणों के घरों में होने वाला प्रातःकालीन वेद घोष भी संपन्न हो चुका था। हरिहर शास्त्री के द्वार से निकलकर उनकी 15 वर्षीय कन्या और लगभग 18 वर्ष का पुत्र नारियल के एक उद्यान में, जहाँ विभिन्न रंगों के पुष्प भी लगे हुए थे, पुष्प चयन के लिए आ पहुँचे। पुष्प चयन के साथ ही साथ यह बालक और बालिका संस्कृत श्लोक बोलते जाते थे और श्लोक के अंतिम अक्षर को लेकर दूसरा उससे आरंभ होने वाला श्लोक का उच्चारण करता था। इस प्रकार बीच बीच में उनका सुमधुर हास्य भी गूंज उठता था। हरिहर शास्त्री यद्यपि नम्बूद्री ब्राह्मण थे, फिर भी वे जब से एक बार मद्रास पर्यंत हो आए थे, तब से उनके मन को इस संबंध में कोई शंका नहीं रह गई थी कि इस जगत में आग गाड़ी और तारयंत्र जैसे पदार्थ भी हैं। किंतु इतना ही नहीं, वे उन ब्राह्मणों की शंका का भी समाधान करते थे जिन्होंने अपनी संपूर्ण आयु नारियल और पोफली के वृक्षों से आच्छादित वनों में ही व्यतीत कर दी थी और जिन्हें इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं थी कि यज्ञशाला के बाहर भी अग्नि कोई अन्य रूप धारण कर लेती है। जब हरिहर शास्त्री इन ब्राह्मणों से आग गाड़ी अथवा तार यंत्र आदि की चर्चा करते थे तो उन्हें विश्वास न हो पाता था। उस समय हरिहर शास्त्री उनकी शंका का समाधान करने के लिए वेदों में से भी आग गाड़ी और तार यंत्रों का उल्लेख खोज निकालते थे। हरिहर शास्त्री उद्भट विद्वान थे। अब तो मद्रास पर्यंत की उनकी यात्रा ने उनकी विद्वता पर और भी धार चढ़ा दी थी। उन्हें विद्यमान सामाजिक और राष्ट्रीय स्थिति की कल्पना थी और वे समाज में व्याप्त बुराइयों के उन्मूलन के संबंध में विचार करते थे। उनके घर में काम करने वाले नौकर पर्यंत थोड़ी बहुत संस्कृत समझ लेते थे। वे अपने घर के आंगन में खड़े हुए बाग में फूल तोड़ते हुए अपने दोनों बालकों की लीला का अवलोकन कर रहे थे। इधर उनकी पुत्री अपने भाई से खेल खेल में रुष्ट होती हुई कहने लगी, भाऊ अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। यह श्लोक तुमने नियम से बाहर कहा है। पंच महाकाव्यों में से किसी का भी यह श्लोक नहीं है और पंच महाकाव्यों में से ही श्लोक बोलने की तुम्हारी प्रतिज्ञा थी। परंतु सुमति, यह श्लोक तो रघुवंश का है। कदापि नहीं, चलो तुमसे मेरी शर्त रही। हाँ हाँ चल, शर्त ही सही, बाबा से ही निर्णय कराए लेते हैं। कहिए ना बाबा, उसका भाई बोला, बाबा सीते दुस्सहनम वनम, क्या यह श्लोक कालिदास का नहीं है? नहीं बालक, शास्त्री ने कहा, किंतु यह कहाँ का है? यदि सुमति ने यह बता दिया तो मैं समझूंगा कि वह जीत गई है। हाँ हाँ, यह रामायण का श्लोक है, सुमति तत्काल बोल उठी। यह सही है, तथापि रामायण के कतिपय अनुष्ठुपे भी कालिदास के अनुष्ठुपों से इतने अधिक मिलते हैं कि जितने गीता के उपनिषद के। अतः यदि भाई से भूल हो गई तो इसमें सुमति तुम्हारे लिए दोष देने का कोई अवसर नहीं है। सुमति कुछ क्रुद्ध सी होती हुई बोली, छोड़िए इससे कुछ नहीं होता। उसी समय उसके पैरों से थोड़ी सी ही दूरी पर बड़ी तेजी से एक सर्प दौड़ता हुआ दिखाई दिया। शास्त्री किंचित मात्र भी न चौंकते हुए बोले, सुमते देख तो मेरा फणींद्र तेरे चरणों में क्या विनती करने आया है। आज प्रातः काल फूल तोड़ते समय तूने उसे वह गीत नहीं सुनाया जो तू प्रतिदिन गाती थी? यही कहने के लिए वह आया है, उसे सुना दे वह गीत। उस सांप को फणींद्र फणींद्र कहते हुए वे दोनों ही बालक उसके साथ खेलने लगे। वे कभी चुटकी बजाकर उसे बुलाते थे तो पुचकार कर आगे आने का इशारा करते थे। उनके खेलते ही खेलते वहाँ 2-3 सर्प और भी आ गए। वे भी अपने बिलों से निकलकर उनके साथ खेलने लग गए। यहाँ जिस प्रकार आप लोग अपने घरों में कुत्ते और बिल्लियाँ पालते हैं, उसी प्रकार मलाबार में सभी जातियों से लोग घरों के आंगन में सर्पों को निवास करने देते हैं। जिस प्रकार आपके मन में यह कल्पना भी नहीं आ पाती कि कुत्ता भी प्राणघातक सिद्ध हो सकता है, इसी भांति यहाँ के निवासी सर्पों से किंचित मात्र भी भयभीत नहीं होते। किंतु ऐसी बात भी नहीं है कि सर्प कभी किसी पर वार ही नहीं करता हो। तथापि मलाबार में सर्प की हत्या करना सामान्यतः क्रूरता समझी जाती है।
अतः अनेक स्थानों पर पालतू पशुओं के समान ही सर्प भी गृह आंगन से चौखटों तक, चौखटों से गृह आंगन तक विचरण करते हुए दृष्टिगोचर हो जाते हैं। हरिहर शास्त्री को अपने उद्यान में विचरण करने वाले सर्पों से केवल धार्मिक दया भावना अथवा सामाजिक रूढ़ी मात्र के कारण ही प्रेम नहीं था, अपितु सर्पों के प्रति उनके मन में विद्यमान वात्सल्य भावना का एक विशेष कारण भी था। कारण यह था कि जिस सर्प ने उसकी कन्या के पैरों के समीप पड़कर बड़े लाड़ सहित कुंडली मारी थी, उस सर्प का अपनी संतान के तुल्य ही पालन करने का निर्देश उन्हें उनके पिता ने ही देह त्याग करते समय दिया था। हरिहर शास्त्री के वृद्ध पिता एक दिन वनांचल से गुजर रहे थे और वर्षा की रिमझिम फुहारें पड़ रही थी। उन्होंने अपने सिर पर वर्षा से भीगने से बचने के लिए ताड़ पत्रों की बनी एक छतरी लगाई हुई थी। वर्षा के कारण शीत बढ़ रहा था और वन्य पशु भी इस ठंड से बचने के लिए यत्र तत्र शरण लेने का स्थान खोज रहे थे। ऐसे समय ही जब वह वृद्ध एक नागफनी के वृक्ष के समीप से होकर गुजरा तो उस वृद्ध ब्राह्मण की छतरी में एक नाग का बच्चा आ गिरा। वह उसकी छतरी के डंडे में लटक गया और वृद्ध ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया और दयालु हृदय वाले इस ब्राह्मण ने उसे एक गर्म कपड़े में लपेट दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने बाग में ही उस सर्प के लिए रहने की एक सुंदर बॉम्बी बना दी। वहीं वह नाग का बच्चा धीरे धीरे बढ़ता रहा, एक नितांत भयंकर सर्प का रूप धारण कर लिया। यद्यपि वह सर्प दूसरों को देखने में बड़ा ही भयंकर प्रतीत होता था, किंतु वृद्ध ब्राह्मण की वस्तुओं पर उसके हाथों पर बालकों के समान खेलता रहता था। उसी पुष्प वाटिका में रहने वाली सर्पिणियों के संपर्क में आने के कारण उसकी संतति भी बढ़ती जा रही थी। ये सभी सर्प बड़ी ही स्वच्छंदता सहित उपवन में विचरण करते थे और उसके समीप ही स्थित अनाज के भंडार का रात्रि में पहरा भी देते थे। एक रात्रि कुछ चोर शास्त्री के घर में धन और धान्य चुराने के लिए जब वे द्वार से भीतर प्रवेश करने लगे तो उस भयंकर नाग ने अपनी तीव्र फुंकारें मारनी आरंभ कर दी और अपने विशाल फन को उठाकर वह उनके सामने खड़ा हो गया। उसके सामने आ जाने के कारण चोर कुछ भयभीत हो गए और अभी उन्होंने सर्प को मार्ग से हटाने के लिए शस्त्र उठाया ही था कि आसपास घूमने वाले सभी सर्पों की भयंकर फुंकारें गूंज उठी और उन्होंने अपने फणों से चोरों पर प्रहार भी किए। चोर अंधकार में भाग निकले। अभी वह शास्त्री के द्वार से 30-40 फुट की दूरी पर ही जा पाए कि सर्पदंश के कारण शरीर में फैले विष से मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रातःकाल वृद्ध शास्त्री उठे तो उन्होंने देखा एक चोर चोरी के माल की गठरी पर ही मरा हुआ पड़ा है, दूसरे भयंकर विष की वेदना के कारण मरणासन्न हो गए हैं, किंतु किसी कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के समान वह नाग उन सब चोरों पर पहरा दे रहा था। शास्त्री महोदय ने बड़ी कौतूहलपूर्ण दृष्टि से यह दृश्य देखा। उनके मन में दया की भावना उमड़ पड़ी और उन्होंने समझा कि चोरी के आरोप में प्राण दंड अत्यधिक है, अतः सर्पदंश का वह रामबाण उपाय किया जिसकी जानकारी मलाबार में अनेक लोगों को है। उस रामबाण उपाय द्वारा उन्होंने शेष चोरों को पुनः चैतन्य प्रदान किया और छोड़ दिया। उसी दिन ग्राम में यह किंवदंती फैल गई कि यह नाग शास्त्री महोदय का ही कोई पूर्वज है और इसने उस घर पर पहरा देने के लिए ही जन्म ग्रहण किया है। इस ख्याति के साथ ही साथ एक विशेष बात यह भी थी कि इस नाग को अपनी शैशव अवस्था से ही इस सुंदर कुमारी से प्रेम था। सर्पों के प्रेम में फंसी कुमारी के जीवन के लिए खतरा होता है, ऐसा भी कभी कभी सुनते हैं, परंतु इस नाग का इस कुमारी से प्रेम ऐसा नहीं था। वह सर्प उसी के हाथ से दिया हुआ दूध पीता था, श्रवण शक्ति न होने पर भी उससे गीत सुनता था और दिन में कम से कम एक बार जब यह कन्या अपने कोमल हाथों से उसे सहला देती थी तो वह दिन भर स्वर्गीय आनंद का अनुभव करता था। किसी किसी दिन उसके स्पर्श मात्र से ही इस नाग को संतोष नहीं हो पाता था और वह उसके मुख पर एक टक लगाने की उश्रृंखल इच्छा से भी विहल ओढ़ता था और यदि वह इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती थी तो वह दूध भी नहीं पीता था। अंततः जब सुमति अपना हाथ उसकी ओर कर देती थी और सुकोमल हाथ से एक नागिन के समान उसे दुलारती और सहलाती थी तथा अपने नेत्रों को अपनी कुंदन वदन चंद्रिका का रसपान करने देती थी तभी वह नाग दूध पीता था। हरिहर शास्त्री को भी यह दृश्य देखकर आनंदानुभूति होती थी। इस प्रकार हरिहर शास्त्री और सुमति ही क्या, घर के सभी लोग उस नाग को अपने पारिवारिक जन के तुल्य ही स्नेह करते थे। उस सर्प के साथ खेलते खेलते ही सुमति की दृष्टि सामने की ओर गई तो उसे ऐसा लगा कि दूर खड़ा कोई हाथ के इशारे से बुला रहा है। वह बोल उठी, बाबा देखो तो वह कौन है, आप यहाँ खड़े हैं यह उसे पता है, किंतु वह वहीं क्यों खड़ा हुआ है।
हरिहर शास्त्री ने उस ओर दृष्टिपात की और बोले, वह थियों के नेता कंबू हैं। सुमति कई बार अपने पिता के मुख से कंबू की प्रशंसा सुन चुकी थी, अतः बोली, बाबा ऐसे विद्वान मनुष्य को यहीं क्यों नहीं बुला लेते। शास्त्री बोले, अरे यदि मैंने थिया को यहाँ बुला लिया तो कल ये सारे ब्राह्मण मुझे ही यहाँ से निकाल कर बाहर कर देंगे, अतः मैं ही उसके पास चला जाता हूँ। सुमति तत्काल हंसती हुई बोल उठी, बाबा क्या यह अच्छी बात है? ब्राह्मणों की इस बस्ती में घूमने वाले इस गंदे कुत्तों और सर्पों से भी थिया लोग अधिक मलिन और भयंकर हैं क्या? ऐसा तीखा प्रश्न करने के उपरांत बालिका अपने सहज बाल सुलभ स्वभाव के अनुसार पुनः खेलने लगी। बालिका घर वापस लौट गई और शास्त्री अपने तरुण पुत्र को साथ लेकर उस थिया की ओर चल पड़े। सुमति भी मार्ग के समीप में ही स्थित एक घर की ओर गई और वहां जाकर अपने पिता और थिया के बीच कैसे वार्तालाप होता है यह देखने के लिए खड़ी हो गई। हरिहर शास्त्री भी तपोवन के समान और निर्भय प्रतीत होने वाले ब्राह्मणागार से चल पड़े। उधर कोकिला की सुमधुर कूक गूंज रही थी, गाय रंभा रही थी और साथ ही साथ वेद मंत्रों की पावन ध्वनि भी गूंज भी सुनाई दे रही थी। एक स्थान पर दो तीन शास्त्री बड़ी गंभीरता सहित प्रदक्षिणा के समय दोनों पैरों में कितना अंतर होना चाहिए, इस संबंध में स्मृति में कोई निश्चित और स्पष्ट व्यवस्था की गई है अथवा नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने में तल्लीन थे। शास्त्री अंततः वहां जा पहुंचे जहां कंबू खड़ा हुआ था और पर्याप्त दूरी पर खड़े होकर उससे वार्ता करने लगे। कभी कुछ मंद और कभी थोड़ी तेज आवाज में उनकी वार्ता होने लगी। बातचीत करते करते कंबू ने कहा, आप इस संबंध में कोई शंका न कीजिए महाराज, जिस घर में सुरंग लगाई जाती है उसमें सुरंग लगते ही कोई गड़बड़ दृष्टिगोचर नहीं होती, परंतु यदि उस घर में निश्चित रूप से निवास करने वाले लोगों को कोई व्यक्ति यह कहे कि इस घर में सुरंग लगाए जाने की बात ही गलत है तो यह एक खोटी बात होगी, किंतु जब घर के नीचे लगी सुरंग में सहसा ही विस्फोट होता है तभी उस घर में निवास करने वालों को सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, और उस समय सुरंग लगाए जाने की बात को गलत कहने वाले के बुलावा डालने वाले प्रपंच का पता लगता है। आज आपकी ब्राह्मण बस्ती की स्थिति भी ऐसी ही है। उस मौलवी ने मुझे कई बार कहा है कि तुम्हें वे तुम्हारे थिया बंधु बांधवों को उस मार्ग से भी अनिष्ट होने की आशंका से जाने नहीं दिया जाता है जिस पर कुत्ते स्वच्छंद घूमते हैं। यदि इन्हीं ब्राह्मण और मराठों की पुत्रियों को लाकर उन्हें तुम्हारे साथ न रख दूं तो मैं मौलवी नहीं। जो भी थिया आज मुसलमान बनेंगे तथा शीघ्र ही होने वाले विद्रोह में भाग लेंगे उनमें से प्रत्येक को उसकी मनपसंद ब्राह्मण कन्या एक मास की अवधि के भीतर ही सौंप दी जाएगी। महाराज क्रोध न कीजिए, मलाबार में आज यूं तो कोई गड़बड़ नहीं दिखाई देती, आज आपके इस शांत तपोवन में जहां कोकिला की मधुर तान सुनाई पड़ती है वहां भी मोपले मुसलमानों द्वारा राक्षसी युद्ध की भयंकर सुरंग बिछाई जा रही है। उस थिया के इस कथन का शास्त्री महोदय पर भी थोड़ा सा प्रभाव हुआ और उन्होंने कुछ चिंतायुक्त आवाज में कहा, उस मौलवी सरीखे 10-5 धर्मोन्मत्त लोगों की मार धाड़ से भयभीत हो जाएं, ब्रिटिश राज्य इतना दुर्बल है क्या? 10-5 धर्मोन्नत मौलवी ही नहीं किंतु प्रत्येक मोपला इस विद्रोह में शस्त्र धारण कर खिलाफत के लिए उठ खड़ा होगा। इस बात के साथ ही साथ मुझे उस मौलवी ने यह भी बताया है कि अरब स्थान से गोला बारूद समुद्र मार्ग से उनके पास पहुंचेगा और इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान का अमीर भी 50,000-60,000 सैनिकों सहित हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला है। हमारे विद्रोह करने में अभी बहुत देर है, हम जो ही करेंगे उसके 3 मास के उपरांत ही तुर्क स्थान का ध्वज फहराते हुए अनवर बेग भी हमसे आकर मिलने वाला है। यह बात वह मौलवी मुझसे बारंबार कहता है। यह अनवर बेग कौन है? वह तुर्क है और उसे हिंदुस्तान के मुसलमान संपूर्ण विश्व के मुसलमानों को स्वतंत्र करने के लिए जन्म ग्रहण करने वाला ईश्वरीय वीर समझते हैं। अरे किंतु यदि वह अनवर तुर्क है तो यह तो बताओ कि वह इन मोपलों का कौन लगता है? ये मोपले तो हम हिंदुओं के वंशज हैं ना। महाराज आप भूल कर रहे हैं, वे तो अपने आप को अरब स्थान के मोहम्मद के कुर्रेसी वंश का समझने लगे हैं। एक बार अरबी अथवा किसी कुरेशी द्वारा तो हिंदू के प्रति किसी ममत्व भावना का प्रदर्शन किया जाना संभव है, परंतु ये मोपले हम हिंदुओं के ही वंशज हिंदुओं के प्रति उतनी ममता का प्रदर्शन नहीं करेंगे। 10-15 वर्ष पूर्व भी एक बार मोपलों ने दंगा किया था। क्या उन दिनों इन्होंने अरनाड तालुका ने अपने हिंदुओं को बलात् मुसलमान नहीं बनाया था? क्या उन्होंने मुसलमान न होने वालों की हत्याएं नहीं की थी? उस समय का आपको स्मरण होगा ही। क्या कहते हो, वह दंगा करने वाले ये मोपले ही थे?
किसी मर्म भेदक जानकारी के उपलब्ध होने पर मानव मन में चिंता का उद्भव होना स्वाभाविक ही है। अतः शास्त्री महोदय भी चिंता मग्न हो गए। यों तो उस दंगे में क्या कुछ हुआ था इसका विचार भी कुट्टम ग्रामवासी ब्राह्मणों तथा अन्य हिंदुओं ने कभी नहीं किया था, क्योंकि यह घटना उनके ग्राम में नहीं हुई थी और दूसरे ग्राम में क्या होता है उसके संबंध में विचार करने की सजगता यदि हिंदू समाज में होती तो वह दुर्दिन ही क्यों उपस्थित होता। किंतु हरिहर शास्त्री को इस दंगे की इतनी तीव्र स्मृति हो आने का कारण भी इतना ही तीव्र था। वह कारण यह था कि उनकी अपनी नानी को उस दंगे के समय पास के ग्राम के मुसलमानों ने उनके घर से उठाकर बलात् एक वर्ष तक एक मुसलमान के घर में रखा था और अंततः उस साध्वी ने अन्न जल का परित्याग कर अपने प्राण समर्पित कर दिए थे। यह स्मृति आते ही कि उसके साथ मोपलों ने क्या किया था, शास्त्री महोदय के हृदय पर एक तीव्र आघात सा लगा। कंबुथिया ने जो कुछ कहा था उससे उनके मन पर भयंकर आघात लगा था, किंतु वे पुनः विचारने लगे और बोले, क्या कहते हो, ये मोपले पुनः उपद्रव करने वाले हैं, किंतु क्यों भाई, अपने इस कुट्टम ग्राम में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण भी है और वह यह कि इस ग्राम में मोपलों के 5-6 ही तो घर हैं और फिर ये तो हैं भी निर्धन, साथ ही ये धर्मांध भी तो नहीं, ये अपने ही ग्राम के अस्पृश्य हिंदुओं के तो वंशज हैं। जो कुछ होगा वह तो अरनाड़ तालुका में होगा, अपने ग्राम में तो ऐसा कोई खतरा दिखाई नहीं देता। महाराज क्या कहा कि इस ग्राम पर कोई संकट नहीं आएगा, क्यों नहीं, हिंदू अस्पृश्यों के ही वंशज जो 4-5 मोपला कुटुंब आपको गरीब दिखाई देते हैं, उन्हीं के साथ वह मौलवी भी है ना, वही मौलवी जिसने मुझे तथा मुसलमान होने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक थिया को उसकी मनपसंद ब्राह्मण व नायर कन्या अर्पित करने की घोषणा की है। इस बार सभी मोपले एक साथ ही विद्रोह आरंभ करने वाले हैं। यदि ये मान भी लिया जाए कि अरनाड़ तालुका में निवास करने वाले हिंदुओं के समक्ष भले ही भयंकर संकट उपस्थित हो जाए, किंतु आपके इस कुट्टम ग्राम में शांति ही बनी रहती तो भी सोचिए कि क्या अरनाड़ तालुका के हिंदुओं के समक्ष उपस्थित होने वाले भयंकर संकट में हम भागीदार नहीं बनेंगे। उनकी स्त्रियों और बच्चों पर जो संकट आएगा वह संकट अपने ही परिवार पर आया है, क्या ऐसा समझकर आप उनकी सहायतार्थ नहीं दौड़ेंगे? क्या वहाँ के हिंदुओं की बहनें आपकी बहनें नहीं हैं? क्या उनके देवालय आपके देवालय नहीं हैं? यदि उनका नाश हुआ तो भी तो अपना ही नाश होगा। जहाँ सर्व हिंदू जाति के सुख दुख का प्रश्न है, वहाँ तो हमें पेशावर से महारवाड़े के हिंदू की झोंपड़ी को रामेश्वर नगर की सीमा तक स्थित हिंदू घर के समान ही समझना चाहिए। क्या आज अरनाड़ के हिंदू पर आया संकट कुट्टम के लोगों के लिए संकट नहीं होगा? यह बात जब कोई मुसलमान कहता है कि अरनाड़ के मुसलमानों ने तुम हिंदुओं की पुत्रियों का अपहरण किया है, तुम्हारी मूर्तियां भ्रष्ट की हैं, तो क्या हमारे मुख पर लज्जा से कालीमा नहीं पुत जाती? वस्तुतः वह हमारे मुख पर जड़ा गया तमाचा है। किंतु ये सब बातें छोड़िए, मुझे क्षमा करना, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, मुझे निष्ठुर कर्तव्य के कारण यह कठोर बात कहने पर विवश होना पड़ रहा है कि एकाध कांचन लता के समान मोहक तथा प्राणों सरीखी प्रिय ऐसी जो आपकी कन्या अभी पुष्प वाटिका से आपके घर की ओर गई है, महाराज उसके पवित्र सम्मान और जीवन की होली न जलने पाए, यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो आप समय रहते सावधान हो जाइए। हरिहर शास्त्री का मस्तिष्क ही चकरा उठा, परंतु मानव स्वभाव बड़ा ही चमत्कारिक है कि अपना अपमान हो तो वह सहन कर पाता है, किंतु यदि उसके परिवार का नाम लेकर कोई अपमान करे तो सहन नहीं कर पाता। उसकी प्रिय सुंदर तथा सुशिक्षित कन्या का नाम लेकर इस कंबुथिया ने जो इतनी भयंकर भविष्यवाणी की थी उससे उन्हें अत्यधिक विषाद का अनुभव हुआ। वे हतप्रभ से हो गए थे, अब उनके मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आई थी, किंतु उन्होंने पुनः अपने विवेक को संवारा, बोले, कंबु तो बता इस अन्याय के प्रतिकार का उपाय क्या है, बोल क्या किया जाए, आजकल क्या हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित नहीं हो गई है, खिलाफत को हिंदुओं ने अपने धर्म के समान ही अपना प्रश्न बना लिया है, मुसलमान भी अपने वचनों का पालन करेंगे, क्या ऐसा नहीं होगा? परंतु तुम कहते हो कि विद्रोह हिंदुओं के विरुद्ध किया जाएगा, किस लिए बताना। महाराज इस भावी अनर्थ का प्रतिकार किस प्रकार किया जाए, यदि इस संबंध में विचार करना है तो उसका प्रथम उपाय यह है कि हम इस विचार का परित्याग करें कि हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य स्थापित हुई यह एकता हिंदुओं की सुरक्षा की पोषक है। यह सत्य है कि हिंदुओं ने खिलाफत के प्रश्न को अपने धार्मिक प्रश्न के समान ही समझा है, किंतु
आपके वाक्य का उत्तरार्ध अवास्तविक है कि हिंदुओं ने खिलाफत का प्रश्न अपना लिया है, अतः मुसलमान भी हिंदुओं का विरोध नहीं करेंगे। आप ऐसा न मानकर यह समझ लीजिए कि हिंदू अपने वचनों से कदापि विमुख नहीं होंगे, परंतु मुसलमानों के बारे में यही कहना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। इस सत्य स्थिति से हिंदुओं को परिचित कराना आवश्यक है, जिससे वे असावधानी का परित्याग कर आने वाले संकट का सामना करने के लिए सन्नद्ध हो सकें। प्रतिकार का पहला उपाय यही है, किंतु यह उपाय ही अंतिम उपाय नहीं, क्योंकि हिंदुओं के आधार पर मुसलमानों ने इस विद्रोह की सिद्धता नहीं की है। हिंदू साथ आएं अथवा न आएं, खिलाफत आंदोलन चलाया ही जाएगा, यही उनकी युद्ध गर्जना है। अतः दूसरा त्वरित उपाय जिसको अपनाया जाना आवश्यक है वह यह है कि हिंदुओं को स्वसंरक्षणार्थ तत्काल पृथक निर्णय करना होगा। यह काम तत्काल आरंभ कर दिया जाना चाहिए। वह मौलवी 2-3 दिन में ही अर्नाड होकर आएगा और वहां होने वाली मुख्य सभा में यह प्रतिवेदन देगा कि कुट्टम ग्राम के थिया लोग स्वेच्छा सहित मुसलमान होने को तैयार नहीं है। अन्य जातियों से तो यह बात कही ही नहीं जाएगी। कुट्टम ग्राम का नाम भी उनके द्वारा उस सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा, जिनकी सूची इस दृष्टि से बनाई गई है कि विजय के उपरांत वहां की जनता को बलात् मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया जाएगा और उनकी संपूर्ण संपत्ति को काफिरों की समझकर लूट लिया जाएगा। इस व्यवस्था के अनुसार हिंदू स्त्रियां भी धर्मवीरों की न्याय सिद्ध लूट का माल बनेंगी। यह भी सुनिश्चित है कि इस लूट में इस पवित्र निरपराध व लावण्यवती कन्या को वह नीच मौलवी अपने हिस्से में लेगा। महाराज क्रोध न कीजिएगा, मुझ पर क्रोधित न हो, यदि क्रोध करना ही है तो नीचों के प्रति कीजिए जो पाप कर्म की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। मैंने तो समय से पूर्व ही एक दुष्टता पूर्ण कृत्य की सूचना और उसके परिणामों और उनसे बचने के संबंध में आपको सूचित कर दिया है। मेरी बातों की उपेक्षा न कीजिएगा, अपितु उन पर विचार करके इस संकट का सामना करने और अन्यायियों से प्रतिशोध लेने की तैयारी कीजिए। कंबू, जैसे तुम चाहते हो वैसा ही होगा, चल बता कि किस प्रकार से कार्य आरंभ किया जाए। ठीक है महाराज, सर्वप्रथम मैं अर्नाड जाऊँगा, जहाँ मुसलमानों का मुख्य केंद्र है। वहाँ के मुस्लिम नेताओं ने कतिपय हिंदू नेताओं को भी स्वराज्य और एकता का झांसा देकर चीनी में विष मिलाकर खिलाने जैसा उपक्रम किया है। सर्वप्रथम मैं उन भ्रमित हिंदुओं को वस्तु स्थिति से अवगत कराने का प्रयत्न करूँगा। यदि वे सही मार्ग पर आ गए तो बहुत अच्छा, अन्यथा आपको कुट्टम ग्राम के हिंदू तरुणों को धर्म संरक्षणार्थ सुसज्जित करना होगा। थियाओं में से भी अनेक तरुण इस कार्य के लिए तैयार हैं। इसी बीच कंबू के साथ आया थिया युवक बोल उठा, हाँ हाँ, हम हिंदू धर्म की रक्षार्थ आत्म बलिदान देने को भी सन्नद्ध हैं। आप पांडव शिविर के समान इस ब्राह्मणागार में निश्चिंत पड़े बंधु बांधवों को सावधान कीजिए। मैं भी अर्नाड से वापस आने के उपरांत आपसे पुनः भेंट करूंगा। इधर इनकी यह वार्ता चल रही थी तो दूसरी ओर सुमति, जो अपने घर के मार्ग में कुछ समय तक खड़ी रही थी, धीरे धीरे शास्त्री की दृष्टि उस पर न पड़े इस संबंध में पूर्ण सतर्कता बरतती हुई आगे बढ़कर चुपचाप खड़ी हो गई थी, जहां से वह उन थियों को स्पष्टतः देख सकती थी, परंतु उनकी वार्ता अस्पष्ट रूप से ही सुन पा रही थी। उसे धीरे धीरे आते आते हुए उस तरुण ने भी देख लिया, उसने भी उसे अपनी ओर निहारते हुए देखा था। सुमति ने उसके निर्भीक शब्दों को भी सुना था। उसके मन में सहसा ही यह विचार कोंद गया कि शरीर रचना की दृष्टि से तो इस थिया तरुण की तुलना में कोई ब्राह्मण तरुण ठहर पाना कठिन है, किंतु भला इसमें अस्पृश्य समझे जाने वाली कौन सी बात है? जाति रूप में ऐसी क्या भिन्नता है? परंतु जो ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्पों तक को भी पालते हैं, वे इनके प्रति इतनी निष्ठुरता का व्यवहार क्यों करते हैं? अपने हृदय में ऐसे सहानुभूतिपूर्ण विचार रमाए सुमति ने बड़े ही सावधानी सहित उस थिया तरुण पर दृष्टिपात किया ही था कि उस तरुण की दृष्टि भी उसकी ओर पड़ गई। उस तरुण के मन में भी यह विचार आया कि उसके साथ वार्तालाप करें। उसकी दृष्टि में ऐसी ही सहानुभूति की रेखा को पुनः देख पाने के लिए वह अपने प्राण भी न्योछावर कर देगा। इधर कंबू और शास्त्री महोदय में चल रहा वार्तालाप समाप्त हो गया और कंबू ने साष्टांग दंडवत कर शास्त्री महोदय से विदाई ली। उस थिया तरुण ने भी चलते चलते पीछे की ओर निहारा तो उस ब्राह्मण कन्या की वही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पुनः उस पर पड़ी। वह भी वृक्ष की आड़ लेकर खड़ी हुई थी, उसके मन में भी सानिध्य की इच्छा थी और वह युवक आशा के अनुरूप ही सुंदर था।
हरिहर शास्त्री भी धीमी गति से अपने घर की ओर चल पड़े। उनके मन को यही विचार परेशान कर रहा था कि उनकी नानी के साथ जितना भयंकर अत्याचार हुआ था, क्या उनकी अपनी प्रिय पुत्री भी उसी प्रकार के अत्याचार की भेंट चढ़ जाएगी। छी, इन सब विचारों को अपने हृदय में ही रखने का धैर्य वे अब नहीं संजो पा रहे थे। उस वन से वापस जाते हुए वह पुनः उस स्थान से होते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे, जहां इस संबंध में शास्त्री मंडली में विवाद चल रहा था कि स्मृति शास्त्रों में प्रदक्षिणा में दो पैरों में कितने अंतर की व्यवस्था की गई है। उस वाद विवाद में अब बड़ी गर्मी आ चुकी थी, किंतु शास्त्री महोदय को यह वाद विवाद बड़ा कर्कश लग रहा था। अब इस वाद विवाद ने उनके भय को मानो द्विगुणित कर दिया था और उन्हें लग रहा था कि कहीं कंबू ने जो कुछ कहा है वही तो सिद्ध नहीं होगा।